दोस्तों, यस कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आइए, आज हम आपको ट्रिपल सी के बारे में कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां देंगे कि ट्रिपल सी क्या है और इसमें हम कैसे इसकी तैयारी करें और इसके जो कंफ्यूजिंग वाले क्वेश्चन होते हैं वो सब आपको क्लियर कराएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको ये बता दें, कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं हमारे दिमाग में जो हमारे नए स्टूडेंट हैं और जो ट्रिपल सी की तैयारी करना चाह रहे हैं या जो कर रहे हैं, उनके मन में कई क्वेश्चन होते हैं जो क्लियर नहीं हो पाते हैं और कंफ्यूजिंग में रहते हैं। तो हम आज आपको वो सारे कंफ्यूजिंग वाले क्वेश्चन हैं क्लियर करेंगे। ट्रिपल सी क्या है? ट्रिपल सी एक ऐसा कोर्स है जो आजकल जितनी भी सरकारी नौकरियां हैं सभी के लिए अनिवार्य हो गया है। तो ट्रिपल सी का पूरा नाम कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट है और ये नाइलेट द्वारा कराया जाता है। ट्रिपल सी जो है, कुछ स्टूडेंट का क्वेश्चन होता है कि जैसे एग्जाम दे के आए हैं तुरंत पूछे सर रिजल्ट कब आएगा, रिजल्ट कब आएगा। तो ट्रिपल सी का रिजल्ट जो है वो एग्जाम देने के 30 से 45 दिन के बाद आ जाता है और कभी कभी लेट हो जाता है, लेकिन जो है मिनिमम और मैक्सिमम 30 से 45 दिन के बाद आ जाता है। और ट्रिपल सी के लिए कुछ लोग ये पूछते हैं कि किताब कौन सी अच्छी रहेगी पढ़ने के लिए। कई प्रकाशन की किताबें आती हैं, तो इसमें क्या है कि लूसेंट और ये क्या नाम टी बालाजी प्रकाशन करके किताबें आती हैं। ये किताबें जो हैं सबसे इम्पोर्टेंट हैं और इनसे ज़्यादातर समझ में भी आता है। उसके बाद में अरिहंत हो गया, परीक्षा मंथन है, ये इनमें भी बहुत अच्छे तरीके से मैटर दिया गया है। और ट्रिपल सी में क्या है, नौ चैप्टर हैं, उन्हीं से ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि ट्रिपल सी में क्या है कि जब ट्रिपल सी हम फॉर्म भरते हैं तो उस समय हमको ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है, अपना डेट ऑफ बर्थ और सिग्नेचर और एड्रेस, ये सब चीज़ें हमारी मतलब वेरीफाई होनी चाहिए, कन्फर्म होनी चाहिए, ये गलत नहीं होनी चाहिए। एक बार गलत हो जाए तो फिर सही नहीं हो पाती हैं। ज़्यादातर इसमें जो जेंडर होता है, जेंडर और क्या नाम है इसका कैटेगरी, ये गलत हो जाती है। डेट ऑफ बर्थ, कैटेगरी, जेंडर, सिग्नेचर, ये सब चीज़ें जो है बहुत क्लियर तरीके से देख लेनी चाहिए। कुछ लोग ग्रेडिंग को लेके बहुत परेशान रहते हैं। ट्रिपल सी में ग्रेडिंग का कोई ज़्यादा महत्व तो नहीं होता है, अगर सिर्फ पास होना ज़रूरी होता है ट्रिपल सी में। ट्रिपल सी जब कभी हम कहीं अप्लाई करते हैं तो ट्रिपल सी का डिप्लोमा मांगा जाता है, ना कि ये कि वो ग्रेड डी हो या सी हो, बस पास होना चाहिए, आ जाती है, बहुत अच्छी बात है। और ट्रिपल सी में ज़्यादातर क्वेश्चन जो है लिवरे ऑफिस से आते हैं, इनमें ऑफिस जो है उसको चेंज करके लिवरे ऑफिस कर लिया गया है। ज़्यादातर क्वेश्चन जो है वो लिवरे ऑफिस से आते हैं और इसलिए लिवरे ऑफिस को बहुत अच्छी तरीके से स्टडी करने की ज़रूरत है। ट्रिपल सी का पूरा नाम जो है कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट है। ट्रिपल सी कोर्स नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नाइलेट द्वारा चलाया जाता है। हिंदी में इसे इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी के राष्ट्रीय संस्थान कहा जाता है। नाइलेट के अंतर्गत ACC, BCC, ट्रिपल सी, सी ट्रिपल सी प्लस, ECC आदि कोर्सेस कराए जाते हैं। ट्रिपल सी को कंप्यूटर अवधारणा पाठ्यक्रम और BCC के मूल कंप्यूटर पाठ्यक्रम कहा जाता है। ट्रिपल सी कंप्यूटर कोर्स करना क्यों जरूरी है, ये क्वेश्चन सबसे इम्पोर्टेंट है। ट्रिपल सी कंप्यूटर कोर्स को करने से आपका कंप्यूटर का बेसिक कॉन्सेप्ट बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो जाता है। अब लगभग सभी गवर्नमेंट जॉब्स में अप्लाई करने के लिए आपको कंप्यूटर सर्टिफिकेट होना ज़रूरी हो गया है। यदि आपके पास कोई गवर्नमेंट सर्टिफिकेट, कंप्यूटर सर्टिफिकेट नहीं है तो आप गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब में अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास ट्रिपल सी सर्टिफिकेट या ओ लेवल कोर्स सर्टिफिकेट होना बहुत ज़रूरी है। ट्रिपल सी कोर्स में आवेदन कैसे करें? ट्रिपल सी कोर्स में आवेदन करने के लिए ट्रिपल सी कोर्स में एडमिशन दो तरीके से लिया जाता है।
एक तो डायरेक्ट सीसी वेबसाइट पे जाकर ऑनलाइन फॉर्म फिल करना, और दूसरा इंस्टीट्यूट द्वारा एडमिशन लेना। डायरेक्ट ट्रिपल सी में वेबसाइट में जाके ट्रिपल सी एग्जाम के लिए ऑनलाइन फॉर्म फिल करके अप्लाई करना होता है, और उसमें ₹590 ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फीस जो है वो हमको पे करनी होती है। इसमें आपको सेल्फ स्टडी करके ट्रिपल सी की तैयारी करनी होती है, फिर एडमिट कार्ड डाउनलोड करके एग्जाम सेंटर पर जाकर परीक्षा देनी पड़ती है। उसके बाद दूसरा तरीका है इंस्टीट्यूट द्वारा एडमिशन लेना। इसमें आपको किसी नाइलेट सर्टिफाइड कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में ट्रिपल सी कोर्स ज्वाइन करना होता है। यहाँ ₹590 सीसी एग्जाम फीस के अलावा ट्यूशन फीस जो 2500 से 3000 के लगभग होती है वो भी देनी पड़ती है 3 महीने की। हर सेंटर का अपना अलग अलग होता है, लेकिन मिनिमम जो है 2500 से 3000 रुपये में सभी सेंटर वाले करवा देते हैं। ट्रिपल सी एग्जाम फॉर्म फिल करना होता है, एडमिट कार्ड डाउनलोड करना और ट्रिपल सी एग्जाम की प्रिपरेशन कराने की जिम्मेदारी इंस्टीट्यूट की होती है। यहीं से आपको एडमिट कार्ड प्राप्त होगा। ट्रिपल सी एग्जाम सेंटर जाकर एग्जाम देना होता है। ट्रिपल सी एग्जाम में प्रश्न क्वेश्चन कितने तरीके के आते हैं, कैसे आते हैं, वो सब हम अभी आपको बता रहे हैं। ट्रिपल सी में एग्जाम में 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं। 100 क्वेश्चन में से आपको पास होने के लिए कम से कम 50 क्वेश्चन को सही अटेम्प्ट करना होता है। सही अटेम्प्ट क्वेश्चन के नंबर के हिसाब से ग्रेड मिलती है। ट्रिपल सी एग्जाम रिजल्ट और सर्टिफिकेट के बारे में हम आपको जानकारी दे रहे हैं। ट्रिपल सी एग्जाम होने के लिए लगभग 45 दिन बाद सीसी का रिजल्ट आ जाता है। रिजल्ट को ट्रिपल सी की वेबसाइट पर देखा जा सकता है। लगभग 45 दिन बाद आपका ट्रिपल सी सर्टिफिकेट भी आ जाता है। सर्टिफिकेट को ट्रिपल सी की वेबसाइट पर जाकर डाउनलोड किया जा सकता है। ये तो ट्रिपल सी की हो गई पूरी जानकारी। इसमें मेरे ख्याल से अब ऐसा कोई वो नहीं छूटा है कि कन्फ्यूजन किसी का रह गया हो। आराम से जो है ट्रिपल सी कर सकते हैं, और ट्रिपल सी में जो है लिब्रा ऑफिस वगैरह ये सब बहुत अच्छे तरीके से तैयार करें। अब हम एक नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, उसमें हम आपको पूरा जो चैप्टर है वो हम समझाएंगे ट्रिपल सी का, क्या कितने चैप्टर हैं और उन चैप्टरों में क्या क्या मटेरियल है और क्या क्या हमको ज़्यादा याद करने की ज़रूरत है। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।